इन्वेस्टर्स वेलकम टू एस ओ आई सी सो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग टाटा कंज्यूमर की बात करने वाले हैं क्योंकि टाटा कंज्यूमर एक ऐसी एक इंटरेस्टिंग एफ एम सी जी कंपनी है जहाँ पे काफी चांसेस हैं कि मोर देन ट्वेंटी परसेंट अर्निंग ग्रोथ आ सकती है नेक्स्ट टू टू थ्री ईयर्स में जो इस सेक्टर के अंदर काफी रेयर है तो इस वीडियो को हमने सिक्स टू सेवन पार्ट में डिवाइड कराए तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपके साथ मेंटल मॉडल डिस्कस करूंगा तो इस मेंटल मॉडल का क्या नाम है माइकल पोर्टर्स फाइव एनालिसिस एंड इस वे और ये मेंटल मॉडल इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको इसको जानना जरूर चाहिए कि एफ इंडस्ट्री के अंदर इस टाइम पर क्या ट्रेंड चल रहे हैं उसको आपको जरूरी समझना पड़ेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस मेंटल मॉडल अगर हम कोई भी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पे फाइव कंपेटेटिव फोर्सेज होती है बेसिकली कौन सी फाइव कंपेटेटिव फोर्सेज हैं पहली है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स या थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स माने कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो आपके प्रोडक्ट को ही आपके ही प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दें जस्ट एन एग्जाम्पल जैसे पहले हम लोग सी डी यूज़ करते थे सी डी के बाद हम लोग पेन ड्राइव यूज़ करने लग गए पेन ड्राइव के बाद मेमरी कार्ड आ गया मेमरी कार्ड के बाद क्लाउड आ गया राइट सो दिस इज बेसिकली अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स सेकेंड कम्पिटेटिव फोर्स क्या है बेसिकली द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स एंड द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कि आपके जो कस्टमर है उनकी कितनी बार्गेनिंग पावर है एंड जो आपके सप्लायर्स हैं जिनसे आप रॉ मटेरियल ये सब ले रहे हो उनकी कितनी बारगेनिंग पावर है तो वो कंपनीज पे ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं होती यहां पे जहां पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है वहां पे कस्टमर्स की बारगेनिंग पावर बहुत ज्यादा होती है जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ शुगर इंडस्ट्री मतलब अगर जो चीनी की इंडस्ट्री है वहां पे किसी भी कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है क्योंकि सारे कमोडिटाइज प्रोडक्ट uh, बना रहे हैं राइट right? फोर्थ कंपेटिटिव फोर्स इज दट ऑफ द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कि न्यू एंट्रेंस क्या इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं नहीं आ सकते जैसे कल ही एक न्यूज आई थी काफ़ी लोगों ने आपने आप लोगों में, में ने मेरे को बोला कि आ, आप उस पर वीडियो बनाइए रूट मोबाइल पे पर आ, कल परसों ही एक न्यूज़ आई थी कि जो ट्वाइलिय उनका एक कम्पिटिटर है वो भी इंडिया एंटर कर गया थ्रू एन एक्विजिशन तो इसको हम कहते हैं फोर्थ कंपेटिटिव फोर्स कि एक न्यू एंट्रेंट आ रहा है इंडस्ट्री के अंदर राइट एंड द फिफ्थ कंपेटिटिव फोर्स इज एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर कितना कॉम्पिटिशन है अब यहां पे दो तीन चीजें हो सकती हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज जो कॉन्सेंट्रेटेड हैं जैसे हमने अमाइंस इंडस्ट्री देखी है जहां पे और बालाजी अमाइंस है तो वहां पे इन स्पाइट ऑफ द इंडस्ट्री बीइंग वेरी कॉन्सेंट्रेटेड माने सिर्फ दो या तीन प्लेयर्स ही हैं सब लोग पैसा कमा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट ही ऐसा है उन, उन दोनों प्लेयर्स के बीच में प्राइसिंग प्राइसिंग वॉर नहीं है अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री देखते हैं तो टेलीकॉम इंडस्ट्री 17 टू तो ट्वेंटी प्लेयर्स है अब थ्री प्लेयर्स पे आई है तो वहां पे भी जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके बीच में जो कंपटीशन है वो इस टाइम पे काफी ज्यादा है बट शायद से थोड़े समय में कम भी हो सकते हैं सो दीज आर द फाइव फोर्सेस तो यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे अभी हम समझते हैं कि जब हम एफ इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एफ इंडस्ट्री अपने जो गुड्स है या फिर जो भी हम जैसे अगर हम बिस्किट खरीद रहे हैं हम चिप्स का पैकेट लेने हैं ये सारी चीज़ें खरीदते हैं तो हम लोग लेते हैं थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं या तो हम ले या तो हम लेंगे थ्रू जनरल ट्रेड या तो हम लेंगे थ्रू मॉडर्न ट्रेड और या तो हम लेंगे थ्रू ई एक कॉमर्स तो जनरल ट्रेड क्या है आपका जो जो आपकी किराने की दुकान आती है मॉडर्न ट्रेड क्या है आपका जो है जैसे आजकल डी मार्ट जैसी दुकान खुल रही है जैसे जैसे आजकल उसके स्टोर्स खुल रहे हैं रिलायंस के राइट तो दिस इज नोन एज मॉडर्न ट्रेड तो जनरल ट्रेड आज भी कुछ एटी टू एटी फाइव परसेंट ऑफ सेल्स है जो मॉडर्न ट्रेड है वो ट्वेल्व टू थर्टीन परसेंट के पास आ गए और जो ई e कॉमर्स है अगर हम कोई भी बिस्किट अगर हम एमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो उसको ई e, कॉमर्स e के अंदर मानते हैं विच इज थ्री ऑफ सेल्स तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या चल रहा है क्योंकि जो मॉडर्न ट्रेड है उसकी ग्रोथ जनरल ट्रेड से ज़्यादा तेज़ी पे हो रही है और ई e कॉमर्स की भी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट में जैसे हम देख सकते हैं तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो मॉडर्न ट्रेड है यहाँ पे अगर हम बिग बाज़ार या बिग बाजार डी या रिलायंस जैसे रिटेलर को देखते हैं तो ये अपने खुद के ही प्राइवेट लेबल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अब प्राइवेट लेबल्स क्या होते हैं सपोज करते हैं एक अगर ब्रिटानिया का बिस्किट आता है बाय द नो बर्बॉर्न तो सेम बिस्किट कैन बी कॉपीड बाय बिग बाजार राइट बट उसका जो प्राइवेट लेवल है वो अपने ही अपने ही लेवल में बेचेगा अपने ही शेल्फ पे बेचेगा बट सस्ते पे बेचेगा तो ये प्राइवेट लेवल है अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वॉरेन बफेट का कोटेशन देखते हैं तो वॉरेन बफेट के पास एक ब्रांड क्राफ्ट हेन्ड्स पर क्राफ्ट हेन्स में उनकी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई एक इन्वेस्टमेंट खराब होने का रीज़न क्या था क्योंकि प्राइवेट लेबल्स काफ़ी सारे आ गए माने ये जो ग्रोसरी स्टोर्स और ये जो खुद के ही नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो भी मॉडर्न ट्रेड में डिस्ट्रीब्यूटर है वॉलमार्ट और कॉस्को जैसे उन्होंने खुद के ही अपने ब्रांड्स लॉन्च कर दिए लॉन्च कर दिए जैसे अमेजॉन में देखते तो अमेजॉन बेसिक्स भी आते हैं तो उसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं तो यहाँ पे वॉन एन हमें क्या बताते हैं कि सौ साल से क्राफ्ट हेन्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे बट 100 साल की एडवर्टीजमेंट के बाद भी यहां पे का एक ब्रांड आता है बाय द नेम ऑफ गोकलैंड एंड वो पिछले 20-30 साल से ही उससे ज्यादा सेल करने लग गया सो दिस इज द पावर ऑफ प्राइवेट लेबल्स अगर यहां द वर्ल्ड हम प्राइवेट लेबल्स देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे आ, अगर कंपेरिजन देखते हैं यूरोप का और अगर हम आ, कंट्री देखते हैं जै, जैसे अगर हम यूके और स्पेन देखते हैं तो स्पेन के अंदर ऑलरेडी प्राइवेट लेबल्स आर मोर देन 40 परसेंट यूके के अंदर भी प्राइवेट लेबल्स आर मोर देन 30 परसेंट तो इसका मतलब वो एफ कंपनी जिसके पास एक स्ट्रांग ब्रांड नहीं है उसको प्राइवेट लेबल सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा यहाँ पे कौन सी दो इंटरेस्टिंग माइकल पोर्टर की फोर्सेस अप्लाई होती हैं एक तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बढ़ रहे हैं एंड साथ साथ जो आपकी बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर थी वो भी बढ़ रही है क्योंकि आपका सप्लायर ही आपका कंपेटेटर बन रहा है तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज्यादा स्कटल बट करा था हम काफ़ी सारे विद इन डेली डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स गए थे देखने के लिए सो दिस इज वॉट वी फाउंड तो यहाँ पे वी फाउंड अ प्रोडक्ट बाय द नेम ऑफ मतलब जो टर्मरिक जो हम हल्दी की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन ब्रांड्स की हल्दी थी एक तो कैच की हल्दी थी फिर एक एवरेस्ट की हल्दी थी एंड देन एक हल्दी थी गुड लाइफ की विच इज अ प्राइवेट लेवल ओन बाय रिलायंस तो जो गुड लाइफ की हल्दी थी डैट वॉज फॉर थर्टी सिक्स रुपीज़ एवरेस्ट और कैच की जो हल्दी थी डैट वॉज फॉर फिफ्टी सिक्स रुपीज़ एंड तीनों हल्दी टू हंड्रेड ग्राम्स की थी सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेज सेकेंड जो हमने यहाँ पे देखा था तो यहाँ पे हम जैसे पा, पास्ता देख सकते हैं विच इज़ अनबॉइल्ड पास्ता जो हम लेते हैं तो मैक्रोनी यहाँ पे टेस्टी ट्रीट की थी विच इज अगेन अ ब्रांड ओन्ड बाय बिग बाजार एंड साथ नीचे मैक्रोनी पड़ी थी बैम्बिनो की वेराज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि कौन सा पैकेज किसका है तो अगेन प्राइवेट लेबल्स थर्डली यहाँ पे अगर हम चावल देखते हैं तो यहाँ पे गो, आ, गोल्डन हार्वेस्ट के थे दावत के थे एंड इंडिया गेट के थे एंड गोल्डन हार्वेस्ट इज अनदर प्राइवेट लेवल ओन्ड बाय बिग बाजार एंड आई थिंक गोल्डन हार्वेस्ट राइस कैटेगरी में इट इज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इतना ज्यादा प्राइवेट लेवल का यहाँ पे यहाँ पे वाइड स्प्रेड हुआ है साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि एक नूडल्स से बाय द नेम ऑफ स्नैक टैक एंड एक नूडल्स से बाय द नेम ऑफ मैगी मसाला नूडल्स बट uh, फर्क क्या था कि स्नैक स्नैकटैक फिर एक प्राइवेट लेबल था एंड जो मैगी मसाला नूडल्स है डेट इज ओन नेस्ले हाँ इवन तो उनके टेस्ट में फर्क है बट uh, पैकेजिंग में ज्यादा फर्क नहीं था एंड जो शेल्फ स्पेस है वो जो स्नैक स्नैकटैक है उस मतलब शेल्फ स्पेस के टर्म में स्नैक स्नैकटैक ऊपर पड़ा होता है एज कंपेयर टू मैगी मसाला नूडल्स सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टू नोटिस एंड इसके साथ साथ यहां पे हमने दो तीन चीजें और ऑब्जर्व अब, करी थी जो मैं आपको यहाँ पे द, 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 दिखा पा रहा हूँ वीडियो के अंदर कि ये आपके पे अगर so again, यहाँ पे हम अगर कॉन्फ्लेक्स देखते हैं सो अगेन यहाँ पे कैलॉग्स के कॉन्फ्लेक्स थे एंड साथ साथ जो प्राइवेट लेबल्स हैं उनके खुद के भी कॉन्फ्लेक्स थे सो अगेन इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट टू टेल कि ब्रांडेड कौन सा एंड प्राइवेट लेबल कौन सा है और प्राइवेट लेबल पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी था क्योंकि प्राइवेट लेवल काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड है तो अगेन दैट गिव्स एन एडेड एडवांटेज एंड साथ में अगर हम यहाँ पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो बिस्किट्स के भी ब्रांड थे डैट वॉज न्यूट्री चॉइस जो ब्रिटानिया का है एंड साथ टेस्टी ट्रीट का जो मैरी है सो so, दोनों के बीच में फर्क बताना फिर काफी मुश्किल था एंड जो टेस्टी ट्रीट बाय मैरी है ये न्यूट्री चॉइस से काफी ज्यादा सस्ता था सो अगेन दिस इज हाउ प्राइवेट लेबल्स आर ट्राइंग टू कम्पीट विद एफ ब्रांड्स तो इस पूरे मेंटल मॉडल को माइकल पोटर की फाइव फोर्सेस एनालिसिस को एंड प्राइवेट लेबल की एंट्री को आप लोग अपने दिमाग में रखना बिकॉज हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो जब हम एंटी थीसिस पॉइंटर्स की बात करेंगे तब इस पॉइंट पे हम वापस जरूर आएंगे जब हम टाटा कंज्यूमर के पल्सिस बिजनेस की बात करेंगे सो विद दिस वीन गेट इन द बिजनेस एनालिसिस ऑफ टाटा कंज्यूमर बट बिफोर गोइंग टू टाटा कंज्यूमर के डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स और टाटा कंज्यूमर के डीपर एनालिसिस में पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूंगा क्योंकि टाटा कंज्यूमर या टाटा के जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो एक्चुअली कंग्लॉमरेट का पार्ट है जिसका नाम है टाटा सन्स तो जो टाटा सन्स में होता है इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट जो लिस्टेड कंपनीज है उनके ऊपर जरूर आता है तो टाटा सन्स में रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुई है कि एन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन बने हैं एंड चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया एक बार ये क्या उस इंटरेस्टिंग इंटरव्यू इंटरव्यू की क्या सबसे बड़ी इंसाइट थी जो काफ़ी इन्वेस्टर्स को जाननी चाहिए एक बार ही उसको पढ़ते हैं एक साथ तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि द ग्रुप हैज़ अ लॉट ऑफ पावर माने हमारे नजरों में भी टाटा ग्रुप इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप्स एंड उन्होंने ये चीज़ बताई कि टाटा ग्रुप के पास काफ़ी पावर है बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें उनकी बैलेंस शीट के साथ तो उनको वो जो नेगेटिव चीज है उनको ठीक करना पड़ेगा ताकि बैलेंस शीट वापस ग्रेट बने क्योंकि जो लेवरेज है हमेशा आपको नीचे लेके आती है इट इज लाइक वेन यू रन अ रेस यू वॉन्ट टू रन फास्ट माने अगर आपको तेज अगर आपको रेस अगर आपको रेस भागनी है तो आपको तेज भागना पड़ेगा पर आप तेज कैसे भाग पाएंगे कि आप सिर्फ तेज तभी भाग सकते हैं कि अगर आप फिट हैं टोटली तो सिमिलरली यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर एक कंपनी का गुड प्रॉफिट है और गुड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और तब वो तो उसको तभी हम गुड और गुड या फिर स्ट्रांग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मानेंगे अगर उस कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है अगर बैलेंस शीट वीक है तो पी एन एल विल नेवर बी स्ट्रांग राइट सो आई वॉन्टेड टू फिक्स द बैलेंस शीट एंड आई नीडेड टू सिम्प्लीफाई तो इसका मतलब क्या है बेसिकली कि अगर आपकी बैलेंस शीट पे कर्ज है तो कर्जे की वजह से क्या होता है क्योंकि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट लिंक्ड है एक दूसरे के साथ तो कर्जे की वजह से आपकी इनकम स्टेटमेंट पे फाइनेंस कॉस्ट आएगा एंड सेकेंडली क्योंकि आपकी बैलेंस शीट पे डेट है तो माने आप किसी और के पैसों पर बिजनेस कर रहे हैं सो अगेन आउटसाइड सोर्स ऑफ लाइबिलिटी तो इसका मतलब ये है एंड टाटा ग्रुप अभी हम डिफरेंट डिफरेंट लिस्टेड कंपनीज देखेंगे कि कैसे कैसे अपना डेट रिड्यूस कर रहे हैं सिमिलरली इन्होंने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक और बताई थी जो एक इन्वेस्टर अगर ऐसे कॉन्सेप्ट ये टैंजेबल या फिर इनटैंजेबल इंसाइट्स अगर आप पहले समझ जाएंगे स्ट्रीट से सो दिस इज वॉट मेक्स यू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर तो इन्होंने और क्या लाइन बोली थी यहाँ पर ये सुनते हैं तो उन्होंने बोला था कि वी आर लुकिंग एट सिम्प्लीफिकेशन फ्रॉम स्ट्रक्चर नंबर ऑफ कंपनीज टैलेंट प्रोसेस हायर आर्स एवरी वे विच यू लोकेटेड इफ यू सिंप्लीफाई इट विल इंक्रीज अजिलिटी इसका मतलब अगर हमारी टाटा के बिजनेस में क्या होता है एक्चुअली कि टाटा ग्रुप की जो कितनी सारी लिस्टेड कंपनीज थी एक्चुअली में वही एक दूसरे के साथ कंपीट करने लग गई थी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जैसे टाटा केमिकल्स का एक्चुअली फूड बिजनेस था सॉल्ट का और पल्सिस का बिजनेस वेस टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का बेवरेजेस का बिजनेस था बट एक्चुअली दोनों एफ का पार्ट था दिस इज वाई इट मेड सेंस टू मेक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड जिसकी हम आगे बात करेंगे पर काफी सारी टाटा की कंपनीज और भी थी जो एक दूसरे के साथ ही कंपीट करने लग गई थी तो यहां पे हम देखते हैं कि जो एन चंद्रशेखरन ने बोला था एक्चुअली में वेदर इज वॉकिंग द टॉक और नॉट क्योंकि बोलना बड़ी बात है एक्चुअली में करना ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बॉल गेम है तो यहां पे एग्जांपल्स देखते हैं तो अगर हम इनके आ, टाटा कम्युनिकेशन में देखेंगे तो टाटा कम्युनिकेशन में दे दे आर आर ट्राइंग ट्राइंग टू 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 रेज इक्विटी एंड डेट मतलब यहां से अपने आपको डी लेवरेज करना चाहते हैं यहां पे कर्जा खत्म करना चाहते हैं टाटा मोटर में देखते हैं तो आज टाटा मोटर में फिफ्टी करोड़ का कर्ज है जिसको ये डेट फ्री बनाना चाहते हैं बाई ट्वेंटी टाटा स्टील के अंदर इन, इन, इनके आने के बाद कुछ अट्ठारह करोड़ से डेट कम हुई है राइट उसके बाद अगर हम यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात देखते हैं तो हमने स्ट्रक्चर वाली बात करी थी तो उन्होंने जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस था टाटा केमिकल्स का उसको मर्ज कर दिया टी जी बी एल जो टीजीबीएल का बेवरेज का बिजनेस था उसको मर्ज करके टाटा कंज्यूमर बनाया है यहां पर अगर हम अगर फिफ्थ पॉइंट में हम टाटा पावर को देखते तो टाटा पावर ने अपना कर्जा सेवन करोड़ से कम करके थर्ट सिक्स थाउजेंड थ्री सिक्सटी थ्री करोड़ पे लिया है एंड लास्टली अगर हम रैलीज इंडिया को देखते हैं तो रैलीज इंडिया कुछ एट हंड्रेड करोड़ का कैपेक्स कर रहा है एंड रैलीज इंडिया इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी क्योंकि रैलीज इंडिया का आज फिक्स एसेट बेस ही कुछ छो से साढ़े छे सौ करोड़ के आसपास है एंड इन लोगों ने एट हंड्रेड करोड़ का कैपेक्स अनाउंस करें नेक्स्ट फोर टू फाइव ईयर में तो एन चंद्रशेखरन के आने के बाद आप लोग सारे जो व्यूअर्स हैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जितने भी एस आई स्टूडेंट्स हैं आप ये एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि लास्ट थ्री फोर ईयर्स में जब से वो आए हैं ग्रुप में अब इन कंपनीज का कंपनीज़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आप कंपेयर करके देखिए कि लास्ट थ्री फोर ईयर्स में कहाँ गए सो दिस इज एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ इंप्रूविंग कैपिटल एलोकेशन माने कैपिटल एलोकेशन इंप्रूव हो रही है और कैपिटल स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो रहा है

प्रोडक्ट बिजनेस यहाँ या यहाँ से डी मर जो मर्ज होता है इसके साथ उस इवेंट को हम देखेंगे तो पहले हम टी की बात करते हैं तो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड एक्चुअली में नाइनटीन सिक्सटीज़ से इसकी हिस्ट्री है तो 1960s में एक्चुअली अगर हम टाइमलाइन को चेक करते हैं तो 1960s में एक्चुअली टी के प्लांटेशंस को ओन करते थे तो यहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी और 1980s के आसपास इनका फ़र्स्ट डोमेस्टिक ब्रांडेड प्ले इन टी आया था फिर उन्होंने इन्होंने कॉफी प्लांटेशंस भी एक्वायर करी थी तो आज अगर हम इनके बैलेंस शीट या अगर हम इनकी इन्वेस्टी कंपनीज में देखते हैं तो जहाँ पर इनके पास टी प्लांटेशंस और कॉफी प्लांटेशंस भी है तो एक्चुअली नाइनटीन सिक्सटी सेवनटीज और एटीज uh, की जो इन्वेस्टमेंट थी उसका भी पार्ट था फिर 1980s के बाद अगर हम इस बिजनेस को चेक करते हैं तो इस पीरियड में बिटवीन 2000 से लेकर हम 2015 तक की बात करें तो यहां पे लगभग इन्होंने कुछ 10 एक्विजेशन करे राइट right? 10 इंटरनेशनल बेवरेज ब्रांड्स एक्वायर करें एंड यहाँ पे सबसे बड़ी जो इनकी एक्विजिशन थी जो शायद से आज इंडिया में एक मतलब डोमेस्टिक कंपनी ने जो एमएनसी को अक्वायर करा था डेट वाज इन 2000 बाय द नेम ऑफ टेटली राइट right? तो टेटली जो आज हम टी का ब्रांड देखते हैं एक्चुअली में 2000 में टाटा ग्रुप ने अक्वायर करा था एंड वो इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट लेवरेज बायआउट था लेवरेज बायआउट इसको क्या कहते हैं एलबीओ माने आपने कर्जा लेके कंपनी को अक्वायर करा एंड फर्स्ट टाइम साथ साथ किसी इंडियन कंपनी ने एक फॉरन एमएनसी को अक्वायर करा था सो दिस हैपन इन 2000 थाउजेंड पर टू से लेके 2015 तक यहाँ पे कुछ 10 इंटरनेशनल एक्विजिशन हुई तो इसके अंदर और कौन कौन सी एक्विजीशन थी एक बार ये भी हम चेक करते हैं तो यहाँ पे साथ साथ इन्होंने एक एट ओ क्लाक करके कॉफी का ब्रांड एक्वायर करा था यूएस में क्योंकि ये यूएस के ईस्ट कोस्ट पे बहुत फे फेमस ब्रांड है यहाँ पे कुछ फोर टू फाइव परसेंट मार्केट शेयर है इनका फिर साथ साथ इन्होंने पोलैंड के अंदर एक एक्विजिशन करी थी वाइटेक्स नाम की कंपनी की फिर जो हिमालय वाटर है अगर हम जो अगर हम हिमालय की बॉटल देखते तो हिमालय के अंदर भी इसी टाइम पे इन्वेस्ट करा था एंड साथ साथ 2012 के अंदर एक बहुत मेजर इनका जेवी हुआ था सो so ये ये जेवी होता है इनका स्टारबक्स के साथ तो टाटा स्टारबक्स जो हम बात करते हैं तो टाटा इज अ 50 50 जेवी बिटवीन टाटा स्टार स्टारबक्स एंड यहाँ पे एवोल्यूशन होते होते बिजनेस कहाँ कहाँ तक इवॉल्व हुआ ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे इस बिजनेस का जो मर्जर अनाउंस हो गया था टाटा केमिकल के कंज्यूमर बिजनेस के साथ तो 2019 के अंदर ये मर्जर हुआ सो दिस इज दी एवोल्यूशन ऑफ द बिजनेस हिस्ट्री ऑफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मर्जर के बाद हमारे पास टाटा केमिकल का जो सी बिजनेस आया एंड टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का बेवरेजिस बिजनेस आया जिससे टाटा कंज्यूमर बना एंड यहाँ पे हम चेक करते मर्जर के रीजन क्या थे राइट right? तो यहां पे जो प, प, पहला रीजन था मर्जर का एक तो यह था कि जो टाटा केमिकल्स है एक्चुअली टाटा केमिकल्स का सोडा एच का बिजनेस है तो सोडा एच एक्चुअली केमिकल बिजनेस है एंड टाटा ग्लोबल बेवरेज का जो बेवरेजेस का बिजनेस है एक्चुअली में मोर और लेस बोथ ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एफ पर टाटा केमिकल्स के बिजनेस में एक प्रॉब्लम क्या थी कि इवन दो उनका सॉल्ट का काफी डोमिनेंट बिजनेस है बिजनेस था पर उनके पास इतनी डिस्ट्रीब्यूटर की रीच नहीं थी एंड साथ फोकस नहीं था वो

ट्वेंटी वन रुपीज़ का इंडियन फूड से आता है बाकी थर्टी फोर आता है इंटरनेशनल बेवरेज से जो हमने एट ओ क्लॉक जैसे ब्रांड्स की बात करी और जो बाकी दस है वो अदल से आता है एंड मर्जर के बाद क्या हुआ कि एक्चुअली में जब हम टाटा ग्लोबल बेवरेजेस की बात करते थे तो इस कंपनी को इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी का इतना ज़्यादा हेट क्यों था क्योंकि इसका एक रीज़न था क्योंकि यहाँ पर ये डोमेस्टिक एफ प्ले नहीं था यह उस टाइम पर क्योंकि इन्होंने ने एट ओ क्लॉक जैसे ब्रांड्स अक्वायर करे थे यूके यूएस कैनेडा चेक रिपब्लिक ऐसी कंट्रीज में प्रेजेंट थे इसकी वजह से दिस वॉज एन इंटरनेशनल एफ प्ले एंड इंडियन एफ मार्केट एक्चुअली वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है राइट right? तो इस वजह से जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उस इस बिजनेस की वैल्यूएशन को कभी इतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे एक्चुअली में इनका इंटरनेशनल बिजनेस 2010 से लेकर 2020 तक सिर्फ टू थ्री परसेंट सी एजीआर ही ग्रो कर रहा था पर इस मर्जर के बाद क्या हुआ है कि आज इनका जो इंडिया फोकस बिजनेस है तो इंडिया फॉर तो इंडिया एज अ परसेंटेज ऑफ द ज्योग्राफी 56% चला गया तो ओवरनाइट क्या हुआ कि नैरेटिव चेंज हो गया जो हम अगर, अगर इनका चेक करते ज्योग्राफिकली इंडिया कम पार्ट से सीधा 56% परसेंट हो गया तो आज अब इसको लोग एज एन इंडियन एफएमसीजी कंपनी मानने लग गए हैं राइट एंड टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के हम उस टाइप के ब्रांड्स चेक करेंगे तो इनके पास टाटा ग्रांड आता है टाटा ग्लूको आता है हिमालय वॉटर आता है टाटा टी आता है टेटली आता है वैसे टाटा केमिकल से इनके पास क्या क्या आया था टाटा सॉल्ट आया था टाटा संपन्न आया था एंड टाटा एनएक्स आया था टाटा फ्री आता है टाटा संपनिस का ब्रांड है एंड जो मिर्ची आते हैं उसका ब्रांड है एंड साथ पल्सिस का भी ब्रांड है रैशनल बिहाइंड मर्जर इसके बाद हम टाटा कंज्यूमर के डिफरेंट डिफरेंट दिफ्रि जो सेगमेंट्स है उसकी बात करेंगे फर्स्ट बिजनेस सेगमेंट है सॉल्ट का बिजनेस तो काफ़ी लोगों ने अपने घर के अंदर टाटा का सॉल्ट देखा है काफ़ी इन्होंने जो कैंपेन भी चालू करे हैं कि टाटा सॉल्ट एक्चुअली देश का नमक है एंड मैं अगर अपने घर में ऑब्जर्व करता हूँ तो मेरे को एक बहुत बड़ा शौक लगा हुआ है घर पर कि मैं जितने भी डिफरेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आते हैं मैं उनको ऑब्जर्व करते रहता हूँ कि कौन क्या उठा के लेके आ रहे हैं काफ़ी बारी मैं अपने पेरेंट्स के साथ या फिर काफ़ी बारी मैं अपने भाई के साथ जो शॉपिंग पे भी जाता हूँ ग्रोसरी की तो बार बार मैं ये चेक करता हूँ ये कौन सा नमक उठा रहे हैं मैं उनको बार बार दूसरे ब्रांड्स का नमक पकड़ाता हूँ बट बार बार वो टाटा का नमक उठाते हमेशा तो इससे आपको एक क्या साबित होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं आप जाके अपनी किचन में चेक कीजिए आपके घर पे कौन सा नमक पड़े मोर और आंसर वुड बी टाटा सोल्ट पड़े राइट right? तो टाटा सॉल्ट के आज क्या एडवांटेजेस है एक बार ये ये चेक करते हैं तो ये आज इनके कुछ बिजनेस का 17% ऑफ द रेवेन्यू है एंड समझने से पहले आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं आपको इस बिजनेस की वैल्यू चेन दिखाता हूं कि सॉल्ट बनता कैसे है राइट right? तो इनकी कुछ वैल्यू चेन ऐसे लगती है कि पहले तो ये रॉ मटेरियल की सोर्सिंग करते हैं तो टी बेसिकली पार्शली जो सी वाटर आ, का जो ब्राइन एवेपोरेट होता है इनकी जो फैसिलिटी है गुजरात के अंदर वह वहाँ पर इनका जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग है वहाँ से होता है फिर उसके बाद टी सी पी एल यूज़ वैक्यूम एवेपोरेशन प्रोसेस तो अब यहाँ पर दो तरीके हैं सॉल्ट बनाने के एक तो एक तो वैक्यूम एवेपोरेशन है एंड दूसरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है तो वैक्यूम एवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर एक्चुअली सॉल्ट के अंदर इनकंसिस्टेंसी कम आती है एज कम्पेयर टू सोलर सोलर के अंदर सॉल्ट के अंदर इनकंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा आती है थोड़ा सा जो ग्रीनी टेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा आता है बट वैक्यूम के अंदर कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है पर शायद से प्र, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा महंगा हो जाता है पर ता, क्योंकि टाटा केमिकल ये प्रोड्यूस करता है एंड शायद से इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी है इनकी ही है थर्डली यहाँ पे क्या आता है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तो यहाँ पे हम जैसा चेक कर सकते हैं फिर पैकेजिंग पैकेजिंग एंड लॉजिस्टिक्स आते हैं फिर उसके बाद पैकेजिंग uh, में जो भी आपका प्रोडक्ट पैकेज हो गया फिर प्रोडक्ट बनता है डिफरेंट टाइप का सॉल्ट आता है जैसे आजकल टाटा सॉल्ट लाइट आ रहा है टाटा टाटा सॉल्ट क्रिस्टल आ रहा है आय शक्ति सॉल्ट आ रहा है आय शक्ति कुकिंग सॉल्ट आ रहा है हर्बल सॉल्ट आ रहा है फिर उसके बाद इसकी मार्केटिंग होती है फिर जैसे हमारे पास एंड में जब हम जाके उठाते हैं तब हमें जो टाटा सॉल्ट का एंड प्रोडक्ट है वो दिखता है अब इस वीडियो में रिसर्च करते हैं इस बिजनेस बारे में रिसर्च करते हैं मेरे को एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी कि एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट आ चुके हैं आजकल मार्केट के अंदर तो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट आए एक बार उसकी बात करते हैं तो एक्चुअली एक तो आजकल सुपर प्रीमियम सॉल्ट आ रहे हैं जिसमें मतलब अगर आप एमेजोन पर चेक करते हैं जिसका नाम है हिमालयन पिंक सॉल्ट तो ये हिमालयन पिंक सॉल्ट एक्चुअली एक एक किलो इस सॉल्ट का कुछ थ्री हंड्रेड रुपीज़ का है फिर टाटा रॉक सॉल्ट का एक किलो इज क्लोज टू हंड्रेड रुपीज़ के आसपास फिर टाटा सॉल्ट प्लस प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं और टाटा सॉल्ट लाइट भी प्रीमियम कैटेगरी में आता है फिर आपके मास ब्रांड आते हैं जिसमें टाटा सॉल्ट आता है और आजकल आईटीसी का भी सॉल्ट आ रहा है बाय द नेम ऑफ आशीर्वाद तो ये ये दोनों कुछ एटीन रुपीज़ पर किलो के पर यहाँ पे जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता लगती है इसके बाद कि सॉल्ट बिजनेस में एक्चुअली एंट्री बैरियर क्या है क्योंकि मेरे को एक बारी आ, मेरे मतलब जो मेरे जो एनालिस्ट फ्रेंड है उनके साथ भी मेरी डिस्कशन हुई थी तो मैंने उनसे पूछा था उन्होंने मुझसे पूछा था कि सॉल्ट बिजनेस में यार एंट्री बैरियर क्या है तो पढ़ते पढ़ते एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो इनकी कॉन कॉल्स पढ़ते है एक्चुअली रियलाइजेशन हुई कि इस बिज़नेस में एक्चुअली एंट्री बैरियर्स हैं पहला एंट्री बैरियर क्या है सपोज़ कहते हैं आप रिटेलर हैं राइट आपकी शॉप है तो पहली चीज़ क्या है आपके पास कि आपके शेल्फ पे जब आप सॉल्ट रखते हैं तो सॉल्ट एक्चुअली वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट है माने सॉल्ट आपके शेल्फ का काफ़ी स्पेस खाता है सेकेंडली लो वैल्यू टू वेट आइटम है माने अगर एक किलो का सॉल्ट सिर्फ बीस रुपए का है तो माने सौ ग्राम सिर्फ दो किलो माने सौ ग्राम सॉल्ट सिर्फ दो रुपए का है तो माने काफ़ी कम वैल्यू टू वेट है राइट मतलब यहाँ पे अगर आपका जो एक किलो का सॉल्ट है तो उसका रेट काफ़ी कम है प्राइस काफ़ी कम है तो इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है कि रिटेलर एक्चुअली सॉल्ट वाले बिजनेस के अंदर टर्न ओवर पर गेम खेलता है तो हमने जो आर की वीडियो करी थी हमने उसमें बात करा था या तो आप अपना आर मार्जिन की वजह से कमा सकते हैं या तो कैपिटल एम्प्लॉय टर्न ओवर की कमा की वजह से कमा सकते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली जो रिटेलर है वो टर्न ओवर पर ज़्यादा मतलब ट्राई करेगा कि वही सॉल्ट रखे जो सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज है अब यहाँ पे ब्रांड का रोल आता है तो ब्रांड एक्चुअली कंज्यूमर के लिए भी है एंड ब्रांड एक्चुअली रिटेलर के लिए भी है तो यहां पे इसकी साइकिल समझते हैं कंज्यूमर ने ब्रांड देखा टाटा सॉल्ट का टाटा सॉल्ट पे ट्रस्ट बना क्योंकि टाटा सॉल्ट पे कंज्यूमर का ट्रस्ट है इस वजह से टाटा सॉल्ट की सेल बढ़ रही है क्योंकि सॉल्ट एक्चुअली एक लो वॉल्यूम सॉरी लो वैल्यू और वॉल्यूम आइटम है फॉर द फॉर द रिटेलर इस वजह से रिटेलर सॉल्ट को ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्ट बिकेगा जितना ज्यादा कंज्यूमर के दिमाग में आएगा उतनी ज्यादा उतनी ज्यादा जल्दी रिटेलर अपना टर्न कर पाएगा

एंड पे अगर हम टाटा सॉल्ट का ग्रोथ देखते हैं तो टाटा सॉल्ट का ग्रोथ और इंडस्ट्री का ग्रोथ देखते हैं तो टाटा सॉल्ट का ग्रोथ एक्चुअली इंडस्ट्री से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है इंडस्ट्री कुछ फाइव परसेंट ग्रो कर रही है बट टाटा सॉल्ट वॉल्यूम्स अपनी सिक्स टू सेवन परसेंट पे ग्रो कर रहा है क्योंकि वो इंडस्ट्री से मार्केट शेयर ले रहे हैं आज टाटा सॉल्ट का कुछ 30 परसेंट मार्केट शेयर है एंड काफी ज्यादा जो इंडस्ट्री है एक्चुअली आज भी लूज के अंदर सॉल्ट बिकता है तो टाटा सॉल्ट के पास अभी भी का, 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 काफी ज़्यादा मतलब मतलब रन वे फॉर ग्रोथ है टू तो कीप कैप्चरिंग मार्केट शेयर एंड यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो टाटा केमिकल का जो सॉल्ट प्रोडक्शन प्लांट है गुजरात के अंदर वहाँ पे भी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम वन वा, वा, थाउजेंड टन पर एनम टू ट्वेल्व हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड टन्स पर एनम के आसपास तो भी कुछ सेवन एट परसेंट से बढ़ने वाली है जिसके और कैपेसिटी इस वजह से बढ़ी है क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग सॉल्ट बिजनेस टू ग्रो बाय एट परसेंट सो दिस वाज जो टाटा सॉल्ट का जो जो सॉल्ट बिजनेस था ये उसकी बात थी इसके बाद हम टाटा टाटा ता, कंज्यूमर के टी बिजनेस की तरफ आते हैं अब टी बिजनेस से बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा कि जब कोई एक बिज़नेस बार बार एक चीज़ को रिपीट करते रहे तो एक्चुअली उनके डीएनए में वो चीज़ इनबिल्ट हो जाती है कल्चर में इनबिल्ट हो जाती है तो जैसे हमने सॉल्ट में देखा कि इन्होंने एक कमोडिटी लेके सेमी ब्रांड या ब्रांड बना दिया सिमिलरली टी के बिजनेस में भी इन्होंने टी आ, टी जैसे कमोडिटी प्रोडक्ट को लेकर एक सेमी ब्रांड या ब्रांड के अंदर बना दिया तो अगर आज हम टी में देखते हैं तो टी के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं एक तो ब्लैक टी आती है एंड एक आती है आपकी नॉन ब्लैक टी ब्लैक टी जो काफी ज्यादा हम कंजम्पशन में देखते हैं अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपने काफी बारी जो आप घर पे चाय पीते हैं मोस्ट प्रोबली वो ब्लैक टी ही है पर जो नॉन नॉन ब्लैक टी आती है तो आजकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन ब्लैक टी आ रही है एक तो जो मैं अपने आसपास काफी देख रहा हूँ जो हेल्थ कॉन्शियस लोग काफी कर रहे हैं डेट इज ग्रीन टी राइट फिर ग्रीन टी के आ, बाद आती है आजकल आपकी हर्बल टीज आ रही हैं फिर आजकल तो वाइट टीज भी आती हैं जिनकी यील्ड बहुत कम है बट वाइट टी काफ़ी महंगी आती है एंड लास्टली आजकल एक कोल्ड इन्फ्यूजन टी भी आ रही है जो इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए काफ़ी लॉन्च करी है आपको अगर अमेजोन पर ट्राई करनी है तो अमेजोन पर आप ट्राई भी कर सकते हैं राइट सो दीज आर द टू कैटेगरीज एंड अगर हम इंडिया के अंदर टी कंजम्पशन की ग्रोथ देखते हैं तो इंडिया में टी कंजम्पशन की ग्रोथ कुछ टू थ्री परसेंट पर एनम ही आ रही है जैसे हम यहाँ चार्ट में देख सकते हैं वन ऑफ द रीजन इज क्योंकि टी एक्टी नाइनटी आ चुका है टी के अंदर माने अब चाय का पेनेट्रेशन हर घर हर एक घर के अंदर पहुंच चुका है तो इस वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ ज्यादा आने वाली है मे बी वो प्रीमियमाइजेशन की वजह से आएगी यहाँ तो जो मोर एक्सपेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉन ब्लैक टी आती है उसके अंदर ज्यादा ग्रोथ आ सकती है तो ये तो टी का बिजनेस है अब टी के बिजनेस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इनका 35% फाइव परसेंट ऑफ जो इंडियन बेवरेजेस है जो 35% फाइव परसेंट ऑफ रेवेन्यूज़ है वो इंडियन बेवरेजेस से आते हैं जिसके अंदर टी ऑल्सो टी विल बी अ सब्सटैंशियल पार्ट माने टी का काफ़ी ज़्यादा पार्ट होएगा इसमें पर अगर हम चाय के बिजनेस की इनकी बात करेंगे तो अगर आज इंडिया में इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं इस बिज़नेस का तो हमें पता लगता है कि हर एक रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टी प्लेयर्स हैं तो वेस्ट मार्केट के अंदर धुनसेरी करके एक चाय आती है राइट फिर वेस्ट मार्केट में गुजरात के अंदर एक बहुत फेमस टी ब्रांड है बाय द नेम ऑफ वाग बकरी फिर महाराष्ट्र के अंदर एक टी टी ब्रांड आता है बाय द नेम ऑफ सोसाइटी तो आई थिंक ये ब्रांड काफी फेमस होएगा अगर कोई हमारी वीडियो महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो उनको ब्रांड पता आएगा फिर ईस्ट मार्केट में गुडरिक टी करके एक बहुत फेमस ब्रांड है आई थिंक कोलकाता में इनका 60 55 फाइव टू सिक्सटी परसेंट मार्केट शेयर है फिर नॉर्थ मार्केट के अंदर नॉर्थ इंडिया की जब बात करते हैं तो टाटा टी अग्नि बहुत फेमस है फिर पटाका चाय बहुत फेमस है और आजकल एक नया ब्रांड आया है चाय वेदा वो भी काफ़ी फेमस है फिर साउथ इंडिया में टाटा टी जमुनाए हैं और साउथ इंडिया में जो रेड लेबल है वो भी काफ़ी फेमस है ब्रुक बॉन्ड एंड पैन इंडिया में आपके पास टाटा ता, टी है टेटली है ताजमहल है एंड टाटा टी कोल्ड है

तो अगर आज हम एच के नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स देखते हैं तो एच के पास कुछ एट मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अब एट मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स होने के बाद भी एच का जो टी के अंदर मार्केट शेयर है डेट इज़ ट्वेंटी अब शायद से 8 मिलियन के 8 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर इनकी चाय नहीं बेचते होंगे कुछ पर्सनल प्रोडक्ट्स भी बेचते होंगे तो मे बी पाँच या छः मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा आएगा जो टी बेचता होगा टाटा कंज्यूमर का आज सिर्फ 2.4 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इनकी टू पॉइंट फोर कॉल पढ़ते हैं तो उससे हमें पता लगता है तो जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड होती है वैसे वैसे इनका मार्केट शेयर टी बिजनेस में भी एक्सपैंड होते रहेगा राइट सो दिस इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस बट यहां पे एक बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्या है क्योंकि टी प्राइसेस आर वेरी वॉलेटाइल माने टी के जो प्राइसेस है काफी वॉलेटाइल है क्योंकि अगर हम टी की वैल्यू चेन देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा पता लगता है तो अगर हम टी बिजनेस की अगर हम टी बिजनेस की वैल्यू चेन देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एक टी गार्डन होता है फिर वहाँ पे ऑक्शन होती है और फिर प्राइवेट सेल होती है क्योंकि ऑक्शनिंग होती है तो यहाँ पे जो टी के प्राइसेस है काफी वॉलेटाइल रहते हैं फिर जो टाटा टी का ब्लेंडिंग सेंटर आता है फिर जोन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर पास जाते हैं एंड फिर कंज्यूमर पास आता है तो यहाँ पे अगर हम इनकी लेटेस्ट कॉन कौ, कॉल का एक वो पढ़ते हैं स्निपेट तो यहाँ पे ये बता दें कि इंडी, इंडिया की जो टी बिजनेस है इट हैड टू वॉक फाइन लाइंस बिटवीन मार्जिन वॉल्यूम एंड मार्केट शेयर माने बहुत फाइन लाइंस इनको वॉक करनी पड़ी जिसकी वजह से इनको जो मार्जिन प्रेशर है वो वो फेस करना पड़ा क्योंकि जो टी प्राइसेस है उनकी हाइपर इन्फ्लेशन हो रही थी तो यहाँ पे इन्होंने अपनी कॉन कॉल में या फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में डेटा भी दिया था कि पिछले साल के क्वार्टर फोर में टी का प्राइस था एक सौ चार रुपये पर किलो जो इस टाइम जो ला, लास्ट क्वार्टर में टू सेवेंटी टू रुपीज पर किलो गया माने टी का प्राइस ऑलमोस्ट मोर देन वन ट्वेंटी वन थर्टी परसेंट बढ़ गया विद इन थ्री फोर क्वार्टर तो इस बिजनेस के अंदर एक ये पार्ट ऑफ रिस्क भी है तो ये तो इनका टी बिजनेस है पर टी बिजनेस में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है जैसा आ, हमने आ, काफी जो जो अगर मिल्क इंडस्ट्री में देखते हैं वो हो रहे हैं तो टी इंडस्ट्री में भी क्या होगा कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं धीरे धीरे नेशनल प्लेयर्स जो है रीजनल प्लेयर्स को अक्वायर करते जाएंगे तो जैसे हमने टाटा जेमिनाए देखा है तो जेमिना एक साउथ इंडिया का बहुत फेमस ब्रांड है जो टाटा का पार्ट है साथ साथ जब हम धुनसेरे की बात करते हैं तो उनके दो बहुत फेमस ब्रांड है राजस्थान में लाल घोड़ा एंड आई थिंक जो दूसरा ब्रांड है तो उसको भी इन्होंने रिसेंटली कर लिया तो टाटा एक्चुअली पे कंसोलिडेटर एक एक का रोल प्ले कर सकते हैं कि एक पैन इंडियन प्लेयर रीजनल प्लेयर्स को साथ साथ अक्वायर भी कर रहे हैं एंड यहाँ पे डीएनए में क्या कॉमन है सॉल्ट और टी बिजनेस में कि एक्चुअली में आप कमोडिटी लेके ब्रांडेड गुड बेच रहे हैं अब जो इनका नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट है उस पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन बताऊंगा शेलॉक होम्स तो शेवलाक होम्स बोलते हैं कि यू सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व माने माने आप देखते हैं बट आप ऑब्जर्व नहीं करते तो यहां पे एक बहुत interesting business है बाय द नेम ऑफ स्टारबक्स तो स्टारबक्स में शायद से पिछले छह सात साल से जा रहा हूं एंड स्टारबक्स की कॉफी एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो चुकी है क्योंकि वहां पर काफी बार बैठ के मैं पढ़ाई भी करता हूं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मैं काफी सालों से जा रहा था बट मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा था कि स्टारबक्स एक्चुअली बाकी नेशनल चेन से कॉफी में जीत क्यों हो रहे धीरे धीरे बट अब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा पिछले एक दो साल से एंड एक्चुअली मैंने अपने पास लिखना चालू करा कि ऐसा क्या करते हैं तो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस समझते हैं तो मैं स्टारबक्स के अंदर जाता हूँ राइट तो यहाँ पे जो जो बरिस्ता होता है यहाँ पे जो भी मेरे को जो भी हमें कॉफी सर्व करते हैं वो मेरे बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं सेकेंडली वो आपका आपसे नेम जरूर पूछते हैं और जब आपके पास कॉफी आ रही होती है वो आपका नेम अनाउंस करते हैं और आपके कप के ऊपर आपका जो नेम है वो भी लिखते हैं इसके साथ साथ वहां पे आपको एक कार्ड भी ऑफर करते हैं बाय द नेम ऑफ लॉयल्टी कार्ड अब लॉयल्टी कार्ड के अंदर आप पैसे भरवा के कॉफी ले सकते हैं एंड बार बार आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से गिफ्ट भी मिलते रहते हैं उससे एंड मोर ओवर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जिस जब भी आपका बर्थडे मंथ होता है उसमें आपको एक फ्री बेवरेज मिलती है तो यहां पे क्या हो रहा है इसको आप चाली मंगर कहते हैं पॉजिटिव लोला पलूजा इफेक्ट लोला पलूजा का मतलब क्या होता है जब आप डिफरेंट डिफरेंट मेंटल मॉडल्स यूज करके बिजनेस बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि कस्टमर एक्चुअली वहीं पे रह जाता है या फिर एक पॉजिटिव लोला पलूजा प्ले आउट कर जाता है ब्रांड के फेवर में अब हम समझते हैं इन्होंने क्या क्या पॉजिटिव लोला पलूजा करे तो पहला इन्होंने क्या करा मेंटल में मॉडल लाइकिंग बायस अगर आपका वो नेम जान गए तो अगर आपके नेम से आपको अनाउंस करके कॉफी के लिए बुलाते हैं तो यू फील आइडेंटिफाइड एक लाइकिंग बायस का इंपैक्ट आता है फिर अगर आप जो बरिस्ता है यहाँ फिर जो हमें कॉफी सर्व करते हैं अगर वो हमें ग्रीट करते हैं अच्छे से तो एक आपके साथ आपके पास एक और बायस आता है बाय द नेम ऑफ रेसिप्रोकेशन आप भी अच्छे से ग्रीट करना चाहेंगे राइट फिर उसके बाद एक कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी आती है अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आपको वरिश्ता अच्छे से ग्रीट कर रहा है राइट एंड अगर जो वहाँ पे जो वरिस्ता है वो आपको मतलब ग्रीट करने के बाद आपका नेम भी पूछ रहा है तो उसके बाद वो आपको एक लॉयल्टी कार्ड भी ऑफर करेंगे कि आप इस कार्ड से कॉफ़ी खरीद लीजिए मैंने आप जो भी मनी है इस कार्ड में डलवाया करिए तो यहाँ पे अगर हम एक फैक्ट देखेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मतलब एक्चुअली हमें पता नहीं था ये बनाते हैं वीडियो तो बाद में हमें भी पता लगा ये चीज़ कि टाटा जो स्टारबक्स का लॉयल्टी कार्ड है इस टाइम पे उसमें कुछ 1.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास पड़े हैं मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम स्टारबक्स देखते हैं और इसको हम पे, से कंपेयर करते हैं तो 13.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास है तो माने कस्टमर बार बार वापस आ रहे हैं राइट तो कंज्यूमर लॉयल्टी यहां पे का, 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 काफी इंटरेस्टिंग क्रिएट हो रही है फिर उसके बाद आपने ये चीज़ देखी है कि लॉयल्टी कार्ड में आपको डिफरेंट डिफरेंट जो मर्चेंडाइज है वो फ्री में देते हैं आई थिंक वन थाउजेंड या टू थाउजेंड रुपीज़ के कब भी फ्री में देते हैं जिसकी वजह से आप लॉयल्टी कार्ड और यूज़ करते हैं एंड साथ लॉय लॉयल्टी कार्ड का एक और क्या फीचर है कि आपके बर्थडे मंथ में आपको एक फ्री पेवरेज देते हैं जिससे आप लॉयल्टी कार्ड और भी ज़्यादा यूज़ करें तो आज इनकी सेल्स का अगर हम इंडिया सेल्स का बात करते हैं तो थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट इनका जो लॉयल्टी कार्ड है उससे आ रहा है तो इसका मतलब कस्टमर इज़ कमिंग बैक अगर कस्टमर वापस आ रहे तो दिस मीन्स सम काइंड ऑफ ब्रांड इज देयर राइट या सम काइंड ऑफ रिकॉल इज बिंग क्रिएटेड वन मोर यहाँ पे एक और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने जो क्रिएट करी है कि यहाँ जिस जि जि मतलब जिन भी स्टारबक्स में मैं गया हूँ तो वहाँ पर इनकी मशीन्स पे भी लिखा होता है कि अगर आपको कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी तो आप कॉफी वापस करा के दूसरी ले सकते हैं राइट right? अगर आप बाकी सारी कॉफ़ी चेन से ये चीज़ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे कल्चरल एस्पेक्ट्स मिसिंग है राइट right? तो इस वजह से यहाँ पे बिग बहुत इंटरेस्टिंग कंपिटेटिव एडवांटेज क्रिएट हो जाती है क्योंकि स्टारबक्स ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड पिछले कितने सालों से सिर्फ कंसिस्टेंटली ये कल्चरल इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कल्चर एस्पेक्ट क्या है जो बाकी सारे ब्रांड्स में या बाकी सारी कॉफी चेन्स में नहीं है कि अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे जो uh, मैंने ऑब्जर्व करी थी थोड़े टाइम पहले हमारे जो टीम मेट्स भी ऑब्जर्व ऑब्जर्व करी थी कि इंप्लाईज एक्चुअली जो स्टार बक्स के हैं एक दूसरे को पार्टनर बुलाते हैं पार्टनर क्यों बुलाते हैं क्योंकि साइकोलॉजी में एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बाय द नेम ऑफ फ्रेमिंग कि अगर आप एक दूसरे को पार्टनर बोलते रहेंगे तो आपको एक्चुअली में लगेगा कि आप बिजनेस पार्टनर्स हैं राइट तो आप बिजनेस ओनर की आइज के थ्रू बिजनेस को व्यू कर सकते हैं सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि कल्चरल ट्रेनिंग से या कल्चरल इनसाइड से आप इतना बड़ा एम्पायर कैसे बिल्ड कर सकते हैं अब इंडियन पोटेंशियल की तरफ आते हैं तो अगर आज इंडिया में हम देखते हैं कि, कि, कि कितने स्टोर्स हैं स्टारबक्स के क्योंकि टाटा कंज्यूमर के साथ इनका 50-50 जॉइंट वेंचर है सो वी गेट टू नो कि टू uh, ट्वेंटी में सिर्फ 12 स्टोर्स थे जस्ट uh, जो आज 2021 के फर्स्ट नाइन मंथ्स में कुछ 209 के आसपास आ चुके हैं तो ऑलमोस्ट फिफ्टीन एक्स के आसपास ग्रोथ है बट ये नंबर एक्चुअली कुछ नहीं है अगर हम चाइना के साथ कंपेयर करते हैं तो चाइना में आज कुछ फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री स्टोर हैं स्टार बक्स के राइट right? एंड अगर हम यूएस में देखते हैं तो यूएस में कुछ फिफ्टीन थाउजेंड स्टोर्स के आस पास हैं स्टारबक्स के तो इंडिया में दिस जस्ट गिव्स यू एन इनसाइट कि कितना रनवे फॉर ग्रोथ है फॉर द कंपनी क्योंकि आज भी इनकी सेल कुछ सिर्फ 540 करोड़ के आसपास की है एंड अगर हम चाइना से कंपेयर करते हैं तो चाइना में कुछ इनकी 3.2 बिलियन डॉलर्स की सेल है चाइना पैसिफिक रीजन में तो इंडिया में आज सिर्फ 540 करोड़ की सेल है सो अगेन दिस गिव्स यू एन इनसाइट इनटू द पोटेंशियल साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कि कितना ज़्यादा ये बिजनेस ग्रो कर सकता है राइट सो दिस वॉज टाटा स्टार बक्स एंड ये वीडियो बनाते हुए एक्चुअली हमें ऑब्जर्व करते बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि रियल इन्वेस्टिंग इनसाइट्स आपको क्वालिटेटिवली क्वालिटेटिवली uh, भी कितनी सारी आ सकती हैं तो अब इनके जो अगले बिजनेस सेगमेंट है हम उसकी बात करते हैं इनके बाकी दो जो सेगमेंट है एक तो इनका टाटा संपन्न का सेगमेंट है एंड नेक्स्ट इनका सेगमेंट इंटरनेशनल बिजनेस का सेगमेंट है तो पहले हम टाटा संपन्न की बात करेंगे आई थिंक जो अदर फूड बिजनेस है आज इनके रेवेन्यूज का लेस देन टेन परसेंट के आसपास है एंड टाटा संपन्न के अंदर मेजरली थ्री बिजनेसेस आते हैं एक तो पल्सेस का बिजनेस आता है माने जो दाल है उसकी हम बात करेंगे फिर सेकंड बिजनेस आता है आर और स्नैक्स का आर क्या होता है रेडी टू कुक राइट और स्नैक्स का बिजनेस आता है एंड तीसरा जो इनका यहाँ इस लाइन ऑफ बिजनेस में आता है दैट डैट इज द बिजनेस ऑफ मसालाज एंड स्पाइसेस जैसे हम एम और एवरेस्ट की बात करते हैं तो उ, उसी लाइन की हम बात कर रहे हैं तो पहले तुम यहाँ पे पोटेंशियल साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो पहले जब हम टाटा संपन्न में टाटा दाल की बात करते हैं टाटा पल्सेस की बात करते हैं तो पल्सेस आज इंडिया में कुछ एक लाख पचास हजार करोड़ की कैटेगरी है जिसमें से सिर्फ वन परसेंट पल्सेज ही ऑर्गेनाइज्ड हैं मतलब यानी ब्रांडेड हैं बाकी नाइन्टी अनब्रांडेड है और अगर हम यहाँ पे हम बात करते हैं स्पाइसेस की तो उसमें भी हमें पता लगता है कि ये कुछ आज सिक्सटी थाउजेंड करोड़ की कैटेगरी है मानी साठ हज़ार करोड़ की कैटेगरी है जिसमें से आज सिर्फ थर्टी परसेंट के आसपास ब्रांडेड है अब यह स्पाइसेस में आपको एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे एम करके आपने काफ़ी बारी बिजनेस देखा हैगा तो एम बिजनेस की सेल कुछ 900 या साढ़े नौ करोड़ के आसपास है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इसके इत, इतने के आसपास है मतलब मार्जिन इस बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा है एंड सेकेंडली अगर हम इंटरनेशनल स्पाइसेस में देखें तो वर्ल्ड मार्केट लीडर एक कंपनी बाय द नेम ऑफ मेकॉर्मिक और मेकॉर्मिक का अगर हम आर और आर और लॉन्ग टर्म स्टॉक चार्ट देखें तो हमें पता लगता है कि एक्चुअली में अगर ये बिजनेस अगर आपका सही हो जाता है सो दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग रन वे बिजनेस राइट क्योंकि अगर एक बार किसी ने कोई मसाला या स्पाइसेस चूज कर लिए तो उसको चेंज करना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स पे वो मैच कर जाते हैं एंड थर्ड यहाँ अगर हम जो आर का बिजनेस देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली पोवाज लॉन्च करें एंड पोवाज के बाद बाद इन्होंने अपना जो चीला मिक्स है वो भी लॉन्च करें इडलीज़ का भी ये जो बैटर है वो लॉन्च कर रहे हैं एंड ये कैटेगरी भी आज कुछ चालीस हज़ार करोड़ के आसपास की है तो जब इन्होंने टाटा केमिकल को अपने साथ मर्ज करा था उनका जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस को अपने साथ मर्ज करा था तो वन ऑफ द रीजन्स ये था कि ये जो बिजनेस है यहाँ पे कैटेगरीज तो काफ़ी ह्यूज हैं, बट इन कैटेगरीज में सब में एक एक प्रॉब्लम है तो हम पल्सिस की प्रॉब्लम ये देखते हैं कि पल्सिस के अंदर एक्चुअली अभी कंज्यूमर इतना ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हुआ क्योंकि पल्सिस आप धो के खाते हैं राइट तो जब धोने की वजह से यहाँ उसको वाटर में इमर्स करने की वजह से वहां पर एक ब्रांड का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हट जाता है तो यहाँ पे ये लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने सॉल्ट के अंदर ट्राई करा था और टी के अंदर करा था फ्रॉम कमोडिटी टू अ ब्रांड सिमिलरली ये टाटा संपन्न का जो एक किचन का ब्रांड बना रहे हैं माने ये किचन के ब्रांड को मास्टर करना चाहते हैं माने अगर घर में कोई हाउसवाइफ है या फिर घर में जो आपके कुक है या तो कोई अगर आपके घर में और भी कोई खाना कुक कर रहा है तो यहाँ पे ये जो किचन का ब्रांड है वो बनाना चाहते हैं इस वजह से इन्होंने पूरे जो फूड आइटम्स है किचन की लॉन्च करी है राइट तो यहाँ पे एक बार इनके जो इनिशिएटिव्स हम देखते हैं कि पल्सेस के अंदर क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है ऑर्गेनिक पल्सेस का फिर इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है लो ऑयल ऑब्जॉर्ब बेसन का कि माने ये जो बेसन है कम तेल ऑब्जॉर्ब करेगा फिर इन्होंने अनपोलिश्ड पल्सेस का इनिशिएटिव लिया है फिर जो इनकी जो स्पाइसेस हैं दे आर बूस्टेड बाय नेचुरल ऑयल्स ये uh, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लेके मार्केटिंग कर रहे हैं इन साथ साथ अगर हम एनुअल रिपोर्ट में पढ़ेंगे तो यहां पे इन्होंने लिखा है कि ड्राइविंग द कन्वर्जन फ्रॉम अनब्रांडेड टू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इज बिल्ट इन टू डीएनए ऑफ़ दिस ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस फूड एंड बेवरेज वी हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ क्रिएटिंग कैटेगरी डिफाइनिंग ब्रांड्स माने टाटा सॉल्ट और टाटा टी तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है अगर हम टाटा संपन्न भी क्रिएट कर देते हैं अगर हम किचन को कैप्चर कर लेते हैं अगर आपके किचन के हम शेल्फ को कैप्चर कर लेते हैं तो अगेन दिस कुड बी अ वेरी वेरी बिग ऑप्शनैलिटी पर यहाँ पे एक रिस्क क्या है या फिर एक डाउनसाइड क्या है जैसे मैं आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिखा पा रहा हूँ तो अगर हम यहाँ पे अगर हम आ, इनके पल्सेस का जैसे हमने जो मेंटल मॉडल देखा था प्राइवेट लेबल्स का तो यहाँ पे अगर हम इनके पल्सेस के प्राइसेस कंपेयर करते हैं डी के साथ जियो के साथ मतलब अगर हम जियो या रिलायंस के साथ कंपेयर करते हैं या बिग बाजार से कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि इनके पल्सेस के प्राइसिस एक्चुअली इन सबसे ज़्यादा क्योंकि प्राइवेट लेबल्स एक्चुअली पल्सेस सस्ते में बेच रहे हैं एंड मोर ओवर प्राइवेट लेबल्स अपने जो शेल्फ स्पेस है उसको ज्यादा दिखा रहे हैं जिसकी वजह से इन लोगों को ई e कॉमर्स के रूट के थ्रू भी ज्यादा जाना पड़ रहा है तो ई e कॉमर्स में आई थिंक इनका कुछ 25 फाइव परसेंट का मार्केट चेहरा पल्सेस के अंदर पर देखते हैं कि ये कैटेगरी कैसे इवॉल्व करती है बट आज ये कैटेगरी बहुत ही नीच और एक बहुत बहुत फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी है सो दिस कैटेगरी विल बी द वन टू वॉच आउट फॉर इन टर्म्स ऑफ ऑप्शनलिटीज इसके बाद हम इनके जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसकी तरफ आते हैं कमिंग टू द इंटरनेशनल बिज़नेस तो इंटरनेशनल बिजनेस कुछ इनके 38 परसेंट ऑफ रेवेन्यूज़ के आसपास हैं पर इंटरनेशनल बिजनेस में इनकी थ्री मेन जोग्राफीज़ हैं एक तो यूएस है एक सेकेंड आपका यूके एंड थर्ड आपका कैनेडा है यूके एंड कैनेडा में इनका जो टी बिजनेस है वो मेजर है अब टी बिजनेस में आई थिंक यूके में इनका कुछ फिफ्टी परसेंट मार्केट शेयर है ब्लैक टी में प्लस कैनेडा में कुछ थर्टी परसेंट मार्केट शेयर है ब्लैक टी में तो यहाँ पर uh, इनका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसा हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ब्लैक टी की कंजम्पन ऑल ओवर द वर्ल्ड गिर रही है मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में में का, काफ़ी ज़्यादा गिर रही है एंड कॉफ़ी की कंजम्पन एट द सेम टाइम बढ़ रही है इनके क्या रीजन है पहला रीजन स्ट्रगल कर रही है चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न के साथ इवॉल्व करने में इसके रीजन क्या है क्योंकि कॉफी में दो ट्रेंड बहुत ज्यादा मेजर आए हैं एक तो आपका आउट ऑफ होम कॉफी आया है माने कोस्टा कॉफी स्टारबक्स हो गया साथ साथ आपके जितने भी डिफरेंट कॉफी हाउसेज हैं जैसे इंडिया में कैफे कॉफी डे भी है तो ये एक तो आपका आउट ऑफ होम कंजम्पशन है कॉफी का इंक्रीज हो रहा है सेकेंडली क्या और है कि क्यूरिक आ, क्यूरिक कप्स लाइक जो के कप्स करके है जैसा हम यहाँ इस इस वीडियो में देख सकते हैं एंड साथ साथ अगर हम पॉड्स की बात करते हैं जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि पॉड्स की भी कंजम्पशन काफ़ी बढ़ रही है इस वजह से कॉफ़ी की कंजम्पशन एज कम्पेयर टू टी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और लास्ट रीजन क्या है टी टी का घटने का कि टी में अब क्या ब्रांड्स ट्राई कर रहे हैं कि जो जो दूसरी टाइप ऑफ टी है जिसकी हम पहले पहले बात करती थी नॉन ब्लैक टी तो एक्चुअली में ब्रांड्स ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी में आने की डेट इज स्पेशलिटी टी हर्बल टी एंड इन्फ्यूज टी सिमिलरली टाटा भी आज सेम चीज ही ट्राई कर रहे हैं तो कनाडा में अगर हम यहां पे इनकी बिजनेस की ग्रोथ देखते हैं तो इस क्वार्टर में बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छी है क्योंकि पैंडेमिक का लॉकडाउन भी था एंड टी इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद्यू विथ इम्यून बेनिफिट राइट तो ये तो इनका यूके एंड कैनेडा का बिजनेस है और अब साथ साथ इनका जो यूएस का बिजनेस है वहां पर एक बहुत फेमस कॉफी ब्रांड ओन करते हैं बाय द नेम ऑफ एट ओ क्लॉक ओवरऑल आई थिंक यूएस की मार्केट वर्ल्ड वाइड कॉफी की सबसे बड़ी मार्केट है बट इनका सिर्फ टू परसेंट मार्केट शेयर ही है यहाँ पे एंड बाकी में ईस्ट कोस्ट पर इनका कुछ फोर टू फाइव परसेंट के आसपास मार्केट शेयर है और इस कॉफी को ये टू फॉर्म्स में डिलीवर करते हैं एक तो ये कॉफ़ी बैग फॉर्म में मिलती है कि या इसको आप बैग फॉर्म में खरीद सकते हैं राइट एंड सेकेंडली यहाँ पे ये इनका टाइप है के बोर्ड्स के साथ जैसे हमने जो क्यूरिंग मशीन्स देखी थी पहले वीडियो में सिमिलरली इनका इनके साथ टाइप हो रखा है तो ये टू फॉर्म्स में डिलीवर करते हैं एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इस बिजनेस के अंदर अगर हम एक रफ कैलकुलेशन करें तो इनका एनी बिटवीन सेवनटीन टू नाइनटीन के बीच में इबिट्टा मार्जिन है जो अच्छी साइड पर मतलब काफ़ी ज़्यादा इबिट्टा मार्जिन है कॉफ़ी के बिजनेस में सो दिस इज वॉट मेक्स दिस इंटरेस्टिंग अब इंटरनेशनल बिजनेस में इन्होंने अपने जो चेक रिपब्लिक में इनका बिजनेस था रशिया में बिजनेस था एंड ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस था इन तीनों बिजनेस को इन तीनों बिजनेसिस को डाइवेस्ट करें तो जब से हमने बात करी थी कि ग्रुप स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो रहा है तो साथ साथ इन्होंने जो अंडर परफॉर्मिंग इंटरनेशनल बिजनेस है उनको डायवेस्ट करें बट गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि इंटरनेशनल बिजनेस इनकी ग्रोथ मार्केट नहीं है तो यहाँ पे चार पाँच परसेंट के आसपास ही ग्रोथ आएगी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मेच्योर कैटेगरीज हैं एंड जो इनके जो मेन अब यहाँ पर चीज़ है जो ब्लैक टी की बात करते हैं तो ब्लैक टी की भी कंजम्पन गिरते जा रही है

थ्री थर्टी वन करोड़ से सिक्स सेवेंटी थ्री करोड़ आ गया था मेरा सेल्स बिजनेस की थर्टी टू हंड्रेड करोड़ से कुछ सिक्स थाउजेंड करोड़ की चली गई थी विद इन फाइव इयर्स तो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड कि uh, मतलब आप एक ए, आप, आप एक ऐसे सी ई ओ को लेके आए हैं जिनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस बहुत है क्योंकि वर्ल्डपूल से पहले इन्होंने पंद्रह साल पेप्सी में काम करा है एंड पेप्सी से पहले इन्होंने पाँच साल कोका कोला में काम करा है तो अगेन मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है अब अर्निंग्स ग्रोथ के क्या ट्रेकर हैं जो हमने मर्जर की बात करी थी मर्जर के बाद से क्या हुआ है तो यहाँ पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कंसोलिडेट हो गए हैं जिसकी वजह से 63 परसेंट के आसपास इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके अंदर रिडक्शन हुई है क्योंकि फूड एंड बेवरेज के अब डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्होंने कंसोलिडेट कर दिए सेम डिस्ट्रीब्यूटर फूड भी बेचेगा और बेवरेज भी बेचेगा सेकेंडली इन्होंने क्या करा है कि इनके जो सेल्स रिप्रजेंटेटिव थे इन्होंने कुछ थर्टी परसेंट से इंक्रीज कर दिए एंड साथ साथ अगर इनके अकाउंट्स अगर हम यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल देखते हैं तो फिफ्टी परसेंट से डिक्रीज हो गए तो अकाउंट्स अगर हम अकाउंट जो इनके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं अगर वो 50 परसेंट से डिक्रीज हुए हैं तो माने बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल डिडक्शन हो गई है यहाँ पे अगेन मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारी आर की वीडियो देखिए जिसने नहीं देखी क्योंकि वर्किंग कैपिटल डिडक्शन होने से क्या होता है कि आपके बिजनेस के पास ज्यादा कैश आ जाता है राइट सो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड

जिसके बाद अभी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर है स्टॉकिस्ट है एंड उसके बाद आपका रिटेलर है जिसकी वजह से इनका कॉस्ट और ज्यादा रैशनलाइज हो गया तो मर्जर की वजह से ये जो जो का, 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 काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं वो भी प्ले आउट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा तो ये तो मर्जर हो गया अर्निंग्स ग्रोथ के ट्रिगर सेकेंड अर्निंग्स ग्रोथ का क्या ट्रिगर है जोग्राफिकल एक्सपेंशन अब यहां पर मैं आपको एक एक्जाम्पल देता हूँ इन्होंने रिसेंटली सोलफुल एक ब्रांड एक्वायर करा है तो सोलफुल बेसिकली हेल्दी स्नैक्स मनाता है मेड आउट ऑफ रागी राइट तो यहां पे जैसे हम देख सकते हैं कि सोल फुल क्या, क्या क्या करते हैं तो uh, सोलफुल अगेन आज सिर्फ 15,000 थाउजेंड आउटलेट्स में प्रेजेंट है जब इन्होंने अक्वायर करा बट इनकी अब रीच 2.4 मिलियन आउटलेट्स है तो यहाँ पे इनका क्या टारगेट है कि हम 2.4 मिलियन से 4 मिलियन लेके जाना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के रीच तो ये मेरे को ब्रिटानिया की काफ़ी याद दिलाता है 2015 में तो जो एस ओ आई सी इंटेंसिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने जो जो ब्रिटानिया है उसकी डिटेल केस स्टडी करी है जो इस वीडियो का कंक्लूजन वर्जन है उसके अंदर राइट सो अगेन यहां पे दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ कि 2.4 मिलियन से आपके 4 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स होने वाले हैं एंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रीच इनकी आज 0.5 मिलियन से कुछ नेक्स्ट ईयर में 1 मिलियन के आसपास जाने वाली है अगेन डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर एक्सपेंशन आ रहा है अगर हम पल्सिस की बात करते हैं बाकी बिजनेसिस की बात करते हैं तो आज क्योंकि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर का रीच कम था तो एक्सपेंशन होने के बाद जब मेरा रीच बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा मार्केट शेयर बढ़ जाता है राइट सो अगेन दीज आर द ट्रिगर्स फॉर अर्निंग्स ग्रोथ पर अब यहां पे अगर हम एंटी थीसिस पॉइंटर्स देखें तो पहला एंटी थीसिस पॉइंटर यही है कि इस बिजनेस के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि आज भी कुछ 40 टू 45 परसेंट बिजनेस कमोडिटी प्राइसेस से इफेक्ट होता है राइट विच इज अ वॉलेटाइल बिजनेस तो ये तो पहला एंटी थीसिस पॉइंटर है सेकेंड एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है कि अगर जो हमने मर्जर की हमने जो थीसिस बनाई है कि मार्जिन एक्सपेंशन आएगी सब कुछ होएगा इफ डैट डजेंट प्ले आउट तो डेट कुड बी अ रिस्क टू द थीसिस थर्ड एंटी थीसिस पॉइंटर क्या कि इस टाइम पे बैलेंस शीट पे काफी ज्यादा गुडविल भी है तो अगर गुडविल की इंपेयरमेंट होती है तो इसकी वजह से आई थिंक फॉर टू थ्री क्वार्टर्स आपकी अर्निंग्स डिप्रेस हो सकती है क्योंकि गुडविल आज काफी सालों से इनकी बैलेंस शीट पे है आर द पॉइंटर्स प्रेजेंट इन बिजनेस एंड साथ साथ एक एंटी पॉइंटर और भी है कि जो प्राइवेट लेबल अगर बहुत ज्यादा एंटर कर जाते हैं तो क्योंकि ये ऐसी कैटेगरीज में जहाँ पे ब्रांड बनाना थोड़ा सा मुश्किल है इवन दो आई ने आशीर्वाद में करा मेरे ने पैराशूट में करा सिमिलरली इन्होंने टाटा सॉल्ट में करा तो अगर हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि क्या ये सेम चीज़ पल्सिस के अंदर और, और पल्सिस के अंदर और मसालाज और उसके अंदर कर सकते हैं स्पाइसेस के अंदर आई थिंक दिस विल भी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर एंड फाइनेंशियल्स में अगर हम यहाँ पर इनके फाइनेंशियल्स चेक करते हैं तो हमें पता लगता है इनके फाइनेंशियल्स देख के कि आज कुछ आ, इनका जो रेवेन्यू है वो कुछ सेवन थाउजेंड टू फिफ्टी टू करोड़ से नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी सेवन करोड़ के आसपास आए राइट एंड अगर हम इनकी आर देखते हैं तो आर आज हमें डिप्रेस दिखती है एट पॉइंट वन परसेंट के आसपास ये डिप्रेस क्यों दिखती है क्योंकि बैलेंस शीट पर गुडविल है अगर हम गुडविल को एक्सक्लूड करके आर कैलकुलेट करते हैं तो आर कुछ ट्वेंटी की है अब ये गुडविल वो जो दस एक्विजेशन हुई थी दो से लेकर दो के बीच में उसकी वजह से आ रखी है राइट right? तो काफ़ी इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि कभी 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 अगर बहुत पुरानी एक्विजिशन हैं तो आप गुडविल को एक्सक्लूड करके भी रिटर्न रेशियोज़ कैलकुलेट कर सकते हैं आई थिंक इट इज़ अप टू वन ओन इंटरप्रिटेशन एंड साथ अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स में देखते हैं तो आ, अगर इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 457 करोड़ से 460 करोड़ के और इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उनकी उसकी कुछ 41 परसेंट की ग्रोथ आई है यह, 768 करोड़ से वन थाउजेंड करोड़ तक सो अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस एंड पॉसिबली वॉट कैन हैपन गोइंग फॉरवर्ड आपके इबिट्टा मार्जिन में एक्सपेंशन आएगा एंड साथ, साथ आपका जो ग्रॉस मार्जिन है उसके अंदर भी एक्सपेंशन आ सकता है अगर ये अपने पोर्टफोलियो को प्रीमियमाइज कर देते हैं सो विद दिस वील कंक्लूड द वीडियो एंड जो एस ओ आई सी इंटेंसिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस वीडियो का जो कंक्लूजन है और जो ब्रिटानिया की केस स्टडी है उसका जो एस ओ आई सी कंटिन्यूअस लर्निंग का एक वीडियो है वो आपके डैशबोर्ड के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया Thank you for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC.